सब्सक्राइब कीजिए टीम ओएचएसई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एचएसई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे थे मॉनसून प्रिकॉशंस एट वर्कप्लेस एंड बियॉन्ड की। सो पार्ट वन में हमने देखा था हेल्थ एंड हाइजीन, पार्ट टू में हमने देखा मॉनसून प्रिकॉशंस एट कंस्ट्रक्शन साइट, पार्ट थ्री में हमने देखा बाइसिकल मॉनसून सेफ्टी, और अब पार्ट फोर में हम देखने जा रहे हैं टू व्हीलर्स मॉनसून सेफ्टी। मतलब इस पार्ट में हम देखेंगे हमारी जो मोटरसाइकिल होती है वो जब हम चलाते हैं मॉनसून के सीजन में तो क्या क्या हजार्ड्स होते हैं और उसे हमें कैसे कैसे टैकल करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो जल्दी से ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है रोड एक्सीडेंट्स किस स्टेट में कितने कितने ज्यादा होते हैं, और ये आंकड़ा हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो फिगर है दैट इज फ्रॉम 2013 टू 2016, 2013 से 2016 तक की ये फिगर है, और ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में इन तीन सालों में 3428 लोगों की डेथ हुई है, उनकी मौत हुई है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। और ये आंकड़ा बताता है 11386 लोग अक्रॉस द कंट्री वर किल्ड इन पॉटहोल रिलेटेड एक्सीडेंट्स। मतलब पॉटहोल जो जमीन में गड्ढे हो जाते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो उससे 11386 लोग मरते हैं, तकरीबन लास्ट 4 इयर्स में वो मरे हैं। एक और आंकड़ा है जो ये बताता है कि इसका मतलब 7th डेथ अ डे, मतलब एक दिन में 7 मौतें होती हैं। और ये बता रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है बिकॉज रोड की लेंथ लंबी है, वहां चलने वाले व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं और रेनफॉल का रेट भी वहां पे ज्यादा है। सो आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला जो हजार्ड इसमें दिया हुआ है दैट इज ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन। अब क्या क्या समस्या हमें आ सकती है, दैट इज वाटर लॉकिंग हो सकती है, सडन व्हीकल स्टॉपेज हो सकता है, मडी और स्लिपरी रोड हो सकती है, इससे क्या होगा हम स्किड कर जाएंगे और गिर जाएंगे, पॉट होल्स हो सकते हैं, ओपन ड्रेन्स या फिर हमारे ऊपर ट्रीज गिर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड विजन ड्यू टू वाटर स्प्लैशिंग। जब हम गाड़ी तेज चलाते हैं पानी में तो हमारे ऊपर पानी उछल के आता है टू व्हीलर्स के ऊपर, सो उससे हमारे आगे का विजन बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमें पता नहीं चलता आगे क्या है, सो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। चेन ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब एक के पीछे एक बाइक चल रही है या कार चल रही है तो आपस में स्लिप हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपस में टकरा जाते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई हो जाता है। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए ये ड्राइविंग ड्यूरिंग मॉनसून में। अगर हमें बाइक चलानी है, टू व्हीलर चलाना है अपना मॉनसून में तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। इसमें बताया हुआ है जब हल्की हल्की शावर होती है तो वो बहुत तेज जो होती है उसकी बूंदें हमारे चेहरे पर फेस पे लगती हैं और इससे विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। हैवी रेन्स में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज शावर्स जब आते हैं तो मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ड्यूरिंग रेन शावर, अगर रेन शावर हो रही है और उसके दौरान हम अपना वाइजर, जो हेलमेट का वाइजर होता है, आगे का शीशा होता है, उसे बंद कर लेते हैं तो हमारी विजिबिलिटी और कम हो जाती है बिकॉज उस वाइजर पे बहुत बार बूंदें गिर जाती हैं और वो बूंदें अटक जाती हैं जिस वजह से हम आगे का देख नहीं पाते। तो करना क्या है हमें, टायर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले अपने टायर्स का ख्याल रखना है बिकॉज वही रोड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उससे ही हमें जितनी भी ग्रिप मिलती है, ब्रेकिंग होती है, एक्सलरेशन होता है, सब टायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने टायर का ख्याल रखना है, कैसे रखना है, उसका प्रेशर मेंटेन करना है, देखना है कि उसमें जो थ्रेड्स हैं, जितनी भी लकीरें उसमें लाइंस बनी हुई होती हैं, ग्रूव्स बने हुए होते हैं, वो फेड तो नहीं हो गए, मतलब टायर घिस तो नहीं गया है। अवॉइड स्लिप, स्लिप अवॉइड करें, कैसे, एक्सेलरेट करें, यूज एंटी स्लिप एक्सेलेटर ग्रिप, स्लिप ना हो ऐसी ग्रिप यूज करें, फ्रिक्शनल गियर यूज करें और ब्रेक ग्रिप भी यूज करें। ऐसे जूते और ऐसी चीज पहने, पांव में शूज ही पहनिए और ऐसे शूज पहनिए जो स्लिप ना हो, मतलब पैर आपने रखा तो स्लिप ना हो, उनकी भी अच्छी ग्रिप हो। व्हीकल के बीच में मेंटेन करिए डिस्टेंस बिकॉज व्हीकल जब चलता है तो स्प्रेज आते हैं और स्प्रेज के थ्रू आपकी विजिबिलिटी हैम्पर हो सकती है। राइडिंग गियर पहनिए बिकॉज राइडिंग गियर पहनने से क्या होता है कि आप ड्राई रहते हैं और वो वाटर को डिस्पर्स करता है। आप चाहें तो एक जगह या फिर किसी ब्रिज के नीचे रुक सकते हैं या फिर किसी शेड के नीचे रुक सकते हैं और जब रेन शुरू हो जाए तो उसका वेट करिए उसे खत्म होने का। तो क्या होता है, रोड स्लिपरी हो जाती हैं, इसलिए तो जब कभी भी रेन होती है तो कोशिश करिए आप गाड़ी ना चलाएं, कहीं वेट कर लें, किसी शेड में चले जाएं और वेट करिए, कुछ खाइए, पीजिए, स्नैक करिए, एंजॉय करिए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज बता रखी है कि पहला शावर, जो पहली बारिश होती है, उसमें कोशिश करिए बाइक ना चलाएं बिकॉज उस टाइम रोड पे जो पहले से एक्यूमुलेटेड रेन वाटर के साथ आपका
ऑयल और ग्रीस मिक्स हो जाता है, इसलिए रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो फर्स्ट शावर के बाद ही हमेशा कोशिश करिए, अगर आपको बारिश में जाना है तो ही जाइए। आगे बढ़ते हैं, स्पॉट द स्पॉट, कैसी जगह देखनी है अबे, किन किन जगहों पर ध्यान देना है। ऐसी जगह जहाँ पर ऑयल और वाटर कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो रही है, कहीं स्लिपरी एरिया तो नहीं है, मैनहोल कवर्स या फिर वाटर लॉक्ड एरियाज, ऐसी जगह पे हमें भी ध्यान रखना है, या फिर सड़क के कुत्तों से भी हमें ध्यान रखना है। ब्रिज में कई बार एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है तो उस पे भी हमें ध्यान रखना है। पेंटेड रोड मार्किंग्स भी कई बार स्लिपरी हो जाती हैं पानी पड़ने से, तो उनके ऊपर भी हमने बाइक नहीं चलानी, फॉगी वेदर में भी नहीं चलानी, और दूसरी गाड़ी से भी बच के रहना है। अनइवन पैथ से, मडी रोड से बच के रहिए। हमें फोकस ये रखना है कि रोड पे क्या आने वाला है, सामने से क्या आ रहा है। सजेशन यहाँ दिया हुआ है क्या क्या अवॉइड करना है। हमें साइन का ध्यान रखना है, क्या क्या साइंस बोर्ड लगे हुए हैं उनको फॉलो करना है। लो विजिबिलिटी में अगर आपके पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है, पायलन राइडर बैठा हुआ है, तो उसे कहें कि अराउंड आसपास आपको देखता रहे, और अगर कोई चीज आप देखने से भूल जाएं तो आपको अलर्ट कर दे। कोशिश करिए पेड़ के पास या फिर बिजली के पोल के पास या कोई ऐसी जगह ना रुकिए जहां लाइटनिंग गिरने का खतरा हो, बिजली गिरने का खतरा हो, बिकॉज ये चीजें सबसे ज्यादा पेड़ पर, खंबों पर, टॉल बिल्डिंग्स पर, जहां हैवी कंडक्टर्स होते हैं वहां गिरती है। आगे देखते हैं ऑयल एंड वाटर लेयर। अब देखिए ऑयल एंड वाटर लेयर है, ये एक मैंने केस बनाया है, केस वन में इसमें बताया है कि अगर आपने इससे पहले से नोटिस कर लिया कि ऑयल और वाटर आगे पड़ा है और आप पे एनफ टाइम है उसे ब्रेक लगाने के लिए, तो आराम से ब्रेक लगाइए, एकदम से ब्रेक मत लगाइए, जर्क मूवमेंट्स मत करिए। सेकेंड है, अगर आप लेट हो गए और आपने ब्रेक नहीं लगाया तो पैनिक नहीं होना है, और सडन ब्रेक नहीं लगाने हैं कि आपके ब्रेक्स लॉक हो जाएं, एकदम स्लोली स्लोली ब्रेक लगाने हैं, और अपराइट पोजीशन में हमने रहना है, बाइक इधर उधर नहीं मोड़नी है, सीधा जैसे चल रहे थे वैसे चलना है। अवॉइड करिए कि वाटर लॉक्ड एरिया में राइड ना करें, ऐसी जगह राइड ना करें जहां पानी भरा हुआ हो। क्या हो सकता है इससे, ये आपका जो इंजन है वो डैमेज कर सकता है, एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में पानी जा सकता है और वो डैमेज कर सकता है। वाटर लॉक्ड एरिया में कई बार मैन होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते बट वो भरे हुए होते हैं। कई बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा बहुत सारी कि इंसान जा रहा है एकदम से वो नीचे गिर गया, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो क्यों गिरा, बिकॉज नीचे एक मैन होल था वो कवर्ड नहीं था, या पॉट होल था उसमें वो जाके गिर जाता है, बिकॉज वाटर की वजह से हमें वो एरिया दिखाई नहीं देता। इसलिए वाटर लॉक्ड एरिया में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमेशा मॉनसून में अपनी हेडलाइट स्विच ऑन करके रखें, दिन में भी आपको अपनी हेडलाइट्स ऑन करके रखनी है। जैसे ही अभी धीरे धीरे सेफ्टी फीचर्स बाइक्स में, कार्स में अच्छे होने लगे हैं, आप देख रहे होंगे कि DRLs आ रहे हैं, डे टाइम रनिंग लाइट। ये बेसिकली डे टाइम रनिंग लाइट सेफ्टी के लिए ही होती है, और टू व्हीलर्स में अगर आप देख रहे होंगे मोस्टली कि अब लाइट को ऑफ करने का बटन नहीं दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज इट इज अ सेफ्टी फीचर। अगर आप दिन में भी चलते हैं और कभी भी लो विजिबिलिटी होती है और आप भूल गए लाइट जलाना, तो वो बटन अब नहीं दिया जा रहा है बिकॉज उस सीजन में भी आपकी हेडलाइट ऑन रहती है जिससे आपको विजिबिलिटी मिलती रहती है। आपके हेडलैम्प्स, आपकी टेल लैम्प्स हमेशा क्लीन रखिए। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां लो विजिबिलिटी है तो कोशिश करिए हजार्ड लाइट या हजार्ड टेप अपनी बाइक पे लगवाइए ताकि दूसरे आने वाले लोग आपको देख लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में बेसिकली अभी तक लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, या ये कहूं कि लोग नॉलेज होने के बाद भी फॉलो नहीं करते। वो ये है कि अपनी जो लाइट की बीम है, जो हम बीम रखते हैं, हम हाई पे रखते हैं हमेशा। सो कभी भी इस चीज को ध्यान में रखना है कि सामने वाली गाड़ी का हमने विजन हैम्पर नहीं करना है। कैसे नहीं होगा, अगर हम अपनी लाइट लो बीम पर रखें। सिमिलरली अगर सामने से कोई आ रहा है और वो हाई बीम पे आ रहा है, तो आप बहुत बार आपकी आंखों में वो लाइट आती होगी तो आपका विजन हैम्पर होता होगा। तो सिमिलरली अगर आप लाइट ऊपर करके रखेंगे, हाई बीम पे रखेंगे, तो सामने वाले का भी विजन हैम्पर होगा। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग अटेंड करिए। बाइक को हमेशा स्लो चलाइए बिकॉज बाइक वेट रोड पे ज्यादा टाइम लेती है रुकने में। अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए बिकॉज स्प्रे आते हैं, वो कई बार आपके ऊपर भी आते हैं। अगर आप कभी ट्रक के पीछे ट्रैवल करते हैं बाइक से, तो उससे निकलने वाला जो मॉइस्चर होता है उससे बहुत ज्यादा आपकी विजन हैम्पर हो सकता है। सो प्लीज मेक अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी लार्ज व्हीकल यू आर ट्रैवलिंग बिहाइंड। नो स्पीडिंग, कभी भी हाई स्पीड पे मत चलिए। हाई स्पीड पे ट्रैक्शन और उसका ग्रिप कमजोर हो जाए
जाती है, एकदम से ब्रेक मत लगाइए, अवॉइड करिए एकदम से ब्रेक लगाना। 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक अच्छी राइड है, इसमें आप चल सकते हैं अगर आप हाईवे पे हैं। अगर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है बिकॉज फॉगी वेदर है तो आप अपनी रिड्यूस उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो कि आपको एकदम से ब्रेक लगाना पड़े तो आप सेफली लगा सकें, उस स्पीड पे चलें। पहले से ही जज कर लें कि क्या होने वाला है या आगे ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से अपनी स्पीड लोअर कर लें। देखिए बेस्ट ये है कि आप आगे वाला ब्रेक भी, जो ज्यादातर जनरली डिस्क ब्रेक आने लगे हैं और पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं बहुत सारी नॉर्मल बाइक्स में, सो कोशिश करिए दोनों को जेंटली लगाइए। अगर आप आगे वाला तेज लगा देंगे तो भी स्किड कर जाएंगे और पीछे वाला एकदम से लगा देंगे तो भी आप स्किड कर जाएंगे, तो कोशिश करिए आगे वाला ब्रेक हल्का सा और ज्यादातर पीछे वाला ब्रेक 20:80 के रेशियो में लगाइए, एंड जेंटली लगाइए एकदम से मत लगाइए। पहले से ही हम क्या क्या चेक पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं, हेलमेट हमेशा, क्रैश हेलमेट का मतलब है एक अच्छा हेलमेट जो सर्टिफाइड हेलमेट हो, जो हमें क्रैश अगर हमारा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हमें बचा सके। फर्स्ट एड बॉक्स रखिए अपनी बाइक में। आप कोशिश करिए कि सारे आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इंडिकेटर हो गया, लाइट हो गई, ब्रेक लाइट्स हो गई, वो सही ऑर्डर में काम करें, और अगर नहीं कर रहे तो उन्हें रिप्लेस करवा लीजिए। मॉनसून आने से पहले अपने ब्रेक्स वगैरह, फ्लूड वगैरह गाड़ी का सब कुछ चेक कर लें। स्टार्ट करने से पहले अपना क्लच, ब्रेक, इंडिकेटर फ्यूल सब चेक कर लीजिए। फुल कवर हेलमेट पहनिए हमेशा, हाफ कवर मत पहनिए। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। पैदल चलने वालों को स्पॉट करना एकदम से बहुत मुश्किल होता है, सो इसलिए आराम से चलिए। पैदल चलने वालों पर कभी भी स्प्लैश मत करिए वाटर, या ऐसी वाटर लॉगिंग एरिया से ऐसे मत जाइए कि सामने वाले जो पैदल चलने वाला है, जा रहा है, उस पे पानी आए। स्ट्रे एनिमल्स जितने भी होते हैं, डॉग्स होते हैं या फिर काउज होती हैं या बफेलोज होती हैं, कई बार रोड पे आ जाती हैं, सो कोशिश करिए एकदम से उन्हें ध्यान रखिए उनका, कि उनको हम ना टकराएं उनसे। टर्न के लिए इंडिकेटर यूज करिए और पास करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए पास लाइट का यूज करिए। सेल फोन को अवॉइड करिए या फिर म्यूजिक को अवॉइड करिए। मिरर को देखिए कोई भी टर्न लेने से पहले, हमें पीछे देखना चाहिए कि कोई आ तो नहीं रहा। साइड स्टैंड को पीछे कर लीजिए या लॉक ऑफ कर लीजिए या हटा लीजिए व्हीकल चलाने से पहले। अब यहां बता रखा है अगर आप जा रहे हैं बाइक पर और आपको एकदम से सामने पॉटहोल नजर आता है तो क्या करिए, एक तरफ अपना हैंडल पुश करिए और एकदम से आप दूसरी तरफ हैंडल पुश करिए। उस टाइम आप हार्ड ब्रेकिंग लगाएंगे तो भी आप स्लिप हो सकते हैं, सो कोशिश करिए उसको टर्न करके आप अवॉइड कर सकें। कुछ और टिप्स यहां दे रखी हैं, कभी भी पीकर बाइक या गाड़ी कुछ भी मत चलाइए, स्लो चलाइए रेड में बिकॉज रेन रोड्स ऑलरेडी वेट है रेनी सीजन में। अवॉइड करिए कच्ची सड़क पे जाना या ऐसी सड़क जो पक्की ना हो। स्लो चलिए ऐसी रोड पर जो पानी जिसमें भरा हुआ हो। अगर बहुत ज्यादा रेन हो रही है कोई ऐसी जगह, सेफ जगह वेट कर लीजिए, शेड में वेट कर लीजिए जब तक रेन खत्म होती है। डिफेंसिव ड्राइविंग करिए, ऑफेंसिव ड्राइविंग नहीं करिए, रफ ड्राइविंग नहीं करिए। हमेशा ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको ठंडे टेम्परेचर में वार्म रखें। कोई भी गलत सिचुएशन आने पर या कोई ऐसी सिचुएशन आने पर पैनिक मत करिए। लाइसेंस और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके व्हीकल के, वो अपने साथ लेके चलिए। प्लान करिए अपनी जर्नी कि कैसे आपको जाना है और कैसे आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे विद इन डे लाइट, रोशनी में अगर आप पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे patreon.com/teamohse पे सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें।